तो फ्रेंड दर्शन बहुत अच्छे से हो गए, बहुत भीड़ है लेकिन फिर भी दर्शन अच्छे से हो गए। हाँ, मतलब 4 घंटे लाइन लगे बट दर्शन बहुत अच्छे से हुए भगवान जी की कृपा से। आपको दिखाया था वहाँ से, ये हमारा लखनंदा रिवर, बहुत अच्छा मौसम हो गया, हवा का आप सुन ही रहे होंगे उसमें कितना तेज हवा आ रही है। ऊपर देखिए आसमान, बादल बिल्कुल बाहर ढके हुए हैं और उस साइड में धूप भी है। चलिए चलते हैं फिर आगे और दिखाते हैं कुछ खाएंगे, फिर चलते हैं आगे। जय बद्री विशाल। तो 8:45 हुआ है अभी और हम लोग रुके हैं डिनर के लिए, जाम लगा हुआ था काफ़ी ज़्यादा, वही उसी होटल पर रुके हैं जहाँ पे मॉर्निंग में आए थे, क्योंकि सुबह व्रत वाली चीज़ जो बनी थी वो बहुत अच्छी थी इसलिए। चलिए डिनर करते हैं फिर दिखाते हैं। हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल अगेन। और अभी हम लोग चल रहे हैं यहाँ से, देखते हैं कहाँ तक जाते हैं। 8:30 बज रहा है, 8:40 हो गया। तो अभी प्लान ये है कि हरिद्वार होके जाएंगे शायद, तो देखते हैं जैसा भी होगा आगे का रूट मैं आपको बताऊंगा। अभी चलेंगे, पहले ब्रेकफास्ट करेंगे। अभी हम लोग हैं चमोली में, तो आगे चलते हैं कर्णप्रयाग की तरफ। ये देखिए आप सामने, यहाँ पर वो टैक्सी स्टैंड है वो देख सकते हैं वहाँ पर चमोली का। तो चलिए चलते हैं। जय बाबा बद्री विशाल। फ्रेंड्स, हम लोग नंद प्रयाग पहुँच गए हैं और अभी हमें 10 मिनट लगा बस वहाँ से, 9:45 पे हम चले थे, 9:05 बाकी है। नंद प्रयाग हम लोग पहुँच गए, ये भी अलकनंदा नदी के किनारे हैं। तो फ्रेंड्स, अभी हम लोग ब्रेकफास्ट के लिए रुके हैं। देखिए नंद प्रयाग क्रॉस किया जस्ट अभी और इधर हम लोग कर्ण प्रयाग के लिए जा रहे हैं और यहाँ पे एक होटल है, तो होटल अमृत धारा, तो यहाँ पे रुके हैं। गाड़ी को पार्क कर दिया है रोड से अंदर करके और अब चलते हैं। रुके हैं यहाँ पे, एक्चुअली वॉशरूम आए थे। ये देखिए कितना बढ़िया नज़ारा है यहाँ का, आप देख सकते हैं पहाड़ पूरे चारों तरफ, बढ़िया व्यू काफ़ी अच्छा है यहाँ से। फ्रेंड्स, हम लोग कर्णप्रयाग पहुँच गए, सामने आप देख सकते हैं कर्णप्रयाग सिटी। अभी नीचे से अलकनंदा शायद क्रॉस करेंगे फिर हम लोग आगे दिखाते हैं। तो बोर्ड दिख रहा है आपको, ऋषिकेश श्रीनगर के लिए। अब यहाँ से नैनीताल का रास्ता अलग हो जाएगा, हमें से क्रॉस नहीं करना क्रॉस, वो जो गाड़ियाँ जा रही वो रानीखेत नैनीताल के ले जा रही। यहाँ भी आगे होगा ये, हाँ उधर निकल गया, फ्रेंड्स रानीखेत का एग्जिट निकल गया, हम लोग हरिद्वार की तरफ आ गए। ये अलकनंदा का ब्रिज क्रॉस कर रहे हैं। तो ये फ्रेंड्स बस स्टॉप है कर्णप्रयाग का, ये हमारा कर्णप्रयाग पूरा है, यहाँ पे होटल्स और रेस्टोरेंट्स आपको मिल जाएंगे, मार्केट है पूरी कर्णप्रयाग की। ये देख सकते हैं हरिद्वार 194, ऋषिकेश 170, श्रीनगर 65 और पोखरी 128, ये राइट में है पोखरी। तो हम लोग हरिद्वार के रूट से जा रहे हैं, अभी कर्णप्रयाग से हम लोग रुद्रप्रयाग होते हुए हरिद्वार जाएंगे।
तो लखनऊ की तरफ जाने का दो रूट्स हैं ना? हाँ, लखनऊ की तरफ जाने के लिए आपको दो रास्ते हैं। एक आप यहाँ से रानीखेत से जा सकते थे जो कि शॉर्ट है, रानीखेत नैनीताल होते हुए, लेकिन बट वो रास्ता थोड़ा सा पतला है और खराब है। और ये वाला हमारा नेशनल हाईवे है जो चार धाम परियोजना वाला रास्ता है, वो ये है। तो इसीलिए हम लोग हरिद्वार होके जा रहे हैं। और देखिए, अगर टाइम से पहुंच गया तो गंगा आरती भी दिखाते हैं हमको। तो कितने किलोमीटर पड़ते हैं लगभग यहाँ से? डिफरेंस डिफरेंस सर लगभग आपका पड़ेगा 500 उधर से, 120 किलोमीटर का डिफरेंस पड़ेगा। नैनीताल ज्यादा लंबा पड़ता है? नैनीताल शॉर्ट पड़ता है। अच्छा, और हरिद्वार वाली रोड्स अच्छी हैं इसलिए टाइम कम लगता है, बस यही है। ये फिर रास्ता कटा पीछे अल्मोड़ा और रानीखेत के लिए, यहाँ से ऊपर अगर आप जाएंगे तो अल्मोड़ा रानीखेत जा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये देख सकते हैं पूरा जाम है। अभी आगे से दिखाता हूँ आपको, कर्णप्रयाग के आगे ऊपर तक दिख रहा है ट्रैफिक जाम। ये देखिए वहाँ ऊपर पहाड़ तक है, एक एक करके। अभी कहीं पे सिंगल रोड है इसलिए एक एक करके गाड़ी निकाली जा रही है। नीचे अलकनंदा रिवर और वो ऊपर आप जाम देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं ये पूरा यहाँ से जाम लगा हुआ है, बहुत ही लंबा जाम है। देखते हैं, धीरे धीरे बढ़ रहा है। अब शायद उधर से आने वाली गाड़ियाँ रोकी गई हैं, तो अब इधर से जाएंगे हम लोग, एक साइड चलेगा। और बगल में हमारे अलकनंदा नदी जी चल रही है, ये देखिए। वो आगे यहाँ कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है इसलिए प्रॉब्लम, सिंगल रूट है, सिंगल रूट है। तो फ्रेंड्स, हम लोग रुद्रप्रयाग का जो बाईपास है उधर की तरफ आ गए हैं। और अगर आप स्ट्रेट जाएंगे तो गुप्त काशी केदारनाथ की तरफ जा सकते हैं। और हम लोग लेफ्ट चलेंगे यहाँ से हरिद्वार ऋषिकेश के लिए। ये देखिए, सीधे स्ट्रेट अगर आप जाते हैं तो केदारनाथ के लिए जा सकते हैं। हम लोग श्रीनगर हरिद्वार की तरफ चलेंगे। हरिद्वार वाला रास्ता आ गया, वो नीचे वाला। फ्रेंड्स, हमें फिर से रिवर क्रॉस करके उस तरफ जाना है। रुद्रप्रयाग का ये रुद्रप्रयाग का बाईपास ब्रिज है, एक हमने पहले क्रॉस किया था, एक ये इस तरफ नहीं, एक्चुअली हमें उधर जाना है। ये रुद्रप्रयाग सिटी के लिए गया लेफ्ट, हमें आगे श्रीनगर की तरफ चलना है। अब उसके बाद श्रीनगर पड़ेगा। ये देख सकते हैं हरिद्वार यहाँ से 148 है और ऋषिकेश 120 है। अभी हम लोग श्रीनगर जाएंगे, उसके बाद ही चलेंगे वहाँ से आगे। तो ये देखिए फंसा रखा है एकदम दोनों तरफ से। ओवरटेक जब भी करिए थोड़ा देख के करिए, पूरा रोड देख रहा हो तभी टर्न्स पे ओवरटेक मत करिएगा, हिल्स पे। तो जब आगे ये देखिए पास जब दे रहे हैं, प्राचीन मंदिर है। और ये बोला जाता है कि ये चार धाम की रक्षा करते हैं भारी देवी माता। ये पड़ता है हमारा रुद्रप्रयाग से श्रीनगर वाली रोड पे, श्रीनगर से थोड़ा सा पहले। और अगर आप हरिद्वार साइड से आ रहे हैं तो श्रीनगर के बाद पड़ेगा, धारा के बीच में मंदिर है। अलकनंदा रिवर तब से साथ ही
फ्रेंड्स यहाँ रुके हैं देव प्रयाग से थोड़ा सा पहले लंच के लिए, और 2 बज गया तो गाड़ी यहाँ पर पार्क, यहाँ पे गाड़ी पार्क कर दी है। ये रेस्टोरेंट है आदित्य रेस्टोरेंट, ऊपर भी है बैठने का और इस तरफ भी है, तो खा लिया फ्रेंड्स, अब चलते हैं। खाना काफ़ी बढ़िया था और यहाँ पे आप रुक सकते हैं, आदित्य रेस्टोरेंट है, देव प्रयाग से पहले पड़ता है, चलते हैं फिर अब आगे। देव प्रयाग 2 किलोमीटर है, संगम भी आने वाला है यहाँ से, जैसे केस 68 है, तो ये देव प्रयाग हम लोग पहुँच ही गए ऑलमोस्ट। तहसील देव प्रयाग, ये देखिए न्यू टिहरी के लिए आप ऊपर की तरफ जा सकते हैं, आगे से रास्ता कटा हुआ है, तो अगर आपको मसूरी जाना है, धनौल्टी जाना है या यमुनोत्री की तरफ जाना है तो न्यू टिहरी होके जा सकते हैं, गंगोत्री के लिए भी जा सकते हैं। सामने आप ये देखिए देव प्रयाग का मंदिर, उस तरफ से दिखाते हैं, ये देखिए देव प्रयाग पूरा संगम और मंदिर नीचे की तरफ है। ये देखिए यहाँ से एग्जिट, आप ये वाला रोड अगर लेते हैं इधर की तरफ तो न्यू टिहरी, धनौल्टी, मसूरी के लिए आप जा सकते हैं, और हम लोग स्ट्रेट चल रहे हैं। ये देव प्रयाग है, प्रयाग हम लोग पहुंच गए, उस साइड से आए थे, वो देखिए ऊपर उधर, अभी हम लोग का ट्रैफिक लगा हुआ है, ट्रैफिक जाम 40 मिनट का दिखा रहा है, ये देख सकते हैं। देखते हैं धीरे धीरे चलेगा फिर। केस पहुंचने वाले हैं, वो देखिए सामने मंदिर, वो तो लक्ष्मण झूला के सामने ओम नमः शिवाय लिखा हुआ है जिस पे, तो देखिए ऋषिकेश का पूरा एरिया। ये देखिए ये फ्रेंड्स लाइन लगी है, कितनी लंबी ट्रैफिक जाम है, और आप देख सकते हैं कुछ जाहिल लोग हैं जो उल्टी तरफ से जा रहे हैं, अब इनको जाहिली कहें और क्या कह सकते हैं, जिनको समझ नहीं है गाड़ी चलाने की, बिल्कुल तमीज़ नहीं है रोड पर, ऐसे लोगों की वजह से एक्सीडेंट भी होता है और ट्रैफिक जाम भी और बढ़ता है। ये लक्ष्मण झूला का रास्ता है नीचे की तरफ, ये देखिए यहाँ से नीचे आप लक्ष्मण झूला जा सकते हैं, और नीचे ही गाड़ी की पार्किंग भी है, हम लोग स्ट्रेट चल रहे हैं। पहले जो आप देख सकते हैं लेफ्ट में 2 रास्ते कटे हैं आगे की तरफ, एक ऋषिकेश सिटी के लिए आप जा सकते हैं, वैसे हम लोग इसी से जाना चाहते थे बट अभी ये 1 वे किया हुआ है आई थिंक, तो ये हरिद्वार हमें ऊपर से जाना पड़ेगा बाईपास से। तो ये देखिए ये रास्ता हमारा सिटी के लिए है, ऋषिकेश के लिए, और ऊपर की तरफ हमें जाना है, ये देखिए सिटी वाला रास्ता है, हम लोग ऊपर चलेंगे बाईपास की तरफ। ऋषिकेश बाईपास है फ्रेंड्स, हम लोगों को बाईपास से फिर भेज दिया गया है, और अभी हम लोग टिहरी वाले कट पे आ गए, तो यहाँ से आप स्ट्रेट जाएंगे तो टिहरी गढ़वाल जा सकते हैं, और लेफ्ट में हरिद्वार हमें जाना है, तो यहाँ से भी आप धनौल्टी के लिए जा सकते हैं, धनौल्टी मसूरी, और हम लोग यहाँ से लेफ्ट लेंगे हरिद्वार के लिए, स्ट्रेट टिहरी का रास्ता है। हमारा
ऋषिकेश बाईपास आ गया। ये हमारा योग नगरी रेलवे स्टेशन जो कि नया बन रहा है, मोदी जी ने जो किया था चार धाम परियोजना वाले, तो ये चार धाम का स्टार्टिंग पॉइंट होगा, चार धाम यात्रा का योग नगरी रेलवे स्टेशन। एक और रेलवे स्टेशन है वैसे ऋषिकेश में, बट ये मेन स्टेशन होगा बाद में। बाईपास चल रहा है ऋषिकेश, यहाँ से बाईपास एंड हो गया है। इधर आप ऋषिकेश के लिए जा सकते हैं अंदर, यहाँ से सिटी के लिए। और हम लोग बाईपास से आए थे, अब हरिद्वार के लिए चलेंगे। आगे जाके देहरादून वाला हाईवे मिल जाएगा हमको, तो आप देख सकते हैं यहाँ से बरेली मेरठ रुड़की हरिद्वार दिल्ली गाजियाबाद सीधा। फ्रेंड्स हम लोग नेपाली फार्म पहुँच गए हैं, और ये देख सकते हैं देहरादून हाईवे राइट साइड में, यहाँ से राइट लेके आप देहरादून जा सकते हैं इस तरफ। ये है देहरादून का भी, लोग हरिद्वार चल रहे हैं यहाँ पे सोंग रिवर क्रॉस करके आगे चलेंगे, और इसको क्रॉस करेंगे इसके बाद मोतीचूर है। ये देखिए दोनों तरफ पेंटिंग्स काफी बढ़िया, और ये हमारी हरिद्वार रोड है सीधा। चार धाम के मंदिर आप देख सकते हैं, बद्रीनाथ केदारनाथ गंगोत्री यमुनोत्री, और भी भगवानों की बनी हुई है काफ़ी बढ़िया। क्लीनलीनेस भी बहुत अच्छी है यहाँ पर, और रोड तो बहुत ही गजब है देहरादून पर। सर राय वाला क्रॉस कर रहे हैं, ये स्टेशन है राय वाला, चलते हैं सीधे। मोतीचूर रिवर आ गई है, और इसको क्रॉस करके ही मोतीचूर हम लोग पहुँच जाएंगे। पहुँच गए, आप देख सकते हैं गेट नंबर 2 इधर आगे चलो। हम लोग यू टर्न लेके आ गए थे, ये भूपत वाला फिर से आ गए यहाँ से, अब यहाँ से अंदर वाली रोड पे लेना है चलेंगे। पहले अगरवाल भवन पता करते हैं, फिर नहीं तो नहीं होगा तो फिर जहाँ रुके थे वहाँ रुकेंगे।